उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें इंजन लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ निकल हटा रहे हैं हम लोग, अभी भी अंदर से फायर आया है, ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलते हैं? सर दो तरीक है, जिसमें एक उमर खांडे जो है जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है, जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था बागात में जो हमारे दो पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है मुस्ताक खांडे पंपोड़ का ही, वो भी इन्वॉल्व इसमें है। सर जैसे आपको लगता है बहुत ज्यादा कामयाबियां यहाँ से मिल रही है? बिल्कुल, अभी तक मैं 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में नो इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें दो सीटी का भी है, दो भी फंसा, अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। सर अभी अगर देखा जाए सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज बैक टू बैक इनकाउंटर्स यहां पर हो रहे हैं आफ्टर सिविलियन किलिंग्स, तो आपको लगता है कि सो मेनी लीडर्स आर यू नो रेज क्वेश्चन ऑन पुलिस की यहां पर ब्रीच हो रहा है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है, उस पर क्या कहना? देखिये मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लेफ्ट नहीं हुआ है, जो सॉफ्ट टारगेट को अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था, हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें दो को न्यूट्रलाइज कर लिया सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसको इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुलटा बोलने के, बोलते रहता है लोग, हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया था, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर आपने सही कहा कि सॉफ्ट टारगेट्स को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी आबादी है, एक एक खदशा यहाँ पे ये हो रहा है, एक अप्रेंशन है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट कुछ एक्टिव हैं, कुछ बात आई थी जो वहाँ पे केस हुआ, क्योंकि आपने भी लिखा है कोरोबरेटर था ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि जो टीचर को मारने में जो गोली पिस्टल फायरिंग किया था, मेहरान फायरिंग किया था, उसके साथ ये दोनों भी था, तो कोरोबरेटर वही होगा जो साथ देता। यहाँ पर जो 5 टेररिस्ट है, पांचों मिलकर काम करता था अटैक करने में, तो बाकी लोग आइडेंटिफाई कर लिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर।